संजय खन्ना मार्केट रामनगर व्यापारी संघ और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बैठक रामनगर में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से डीएसपी क्राइम नासिर सिद्दीकी उपस्थित हुए और व्यापारियों को अपराधियों से बचाव और धरपकड़ के लिए सुझाव दिए। संजय खन्ना मार्केट रामनगर व्यापारी संघ के पदाधिकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच रामनगर में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से डीएसपी क्राइम नासिर सिद्दीकी उपस्थित हुए। यहां उन्होंने व्यापारियों को अपराधियों की गिरफ्तारी, संदिग्ध व्यक्ति को देख पुलिस को सूचना देने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव दिए। साथ ही प्रत्येक दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की। इसके पूर्व व्यापारियों द्वारा डीएसपी क्राइम का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। इस अवसर पर डीएसपी नासिर सिद्दीकी और संजय खन्ना मार्केट रामनगर व्यापारी संघ के अध्यक्ष विजय खन्ना ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिसका आज 1.5-2 महीना हो गया व्यापारी संघ का गठन किया गया, जिसमें हमने ग्रुप क्राइम के डीएसपी श्री नासिर सिद्दीकी जी को इनवाइट किया था और वैशाली नगर थाने के श्री त्रिनाथ त्रिपाठी जी को टीआई को आमंत्रित किया था। दोनों जन आए और हमको मार्गदर्शन दे के गए, जिनके निर्देश का हम पालन करते व्यापारी संघ लोग आएंगे और उनका सरल विचार और उनकी बातों को सुन के आज हमारे यहाँ जितने व्यापारी, मुझे उम्मीद नहीं थी उससे भी डबल लोग आए हैं, जिनका तहे दिल से धन्यवाद। और संजय खन्ना मार्केट रामनगर व्यापारी संघ की तरफ से दोनों अधिकारी लोगों को धन्यवाद। संजय खन्ना मार्केट रामनगर के व्यापारी संघ ने आज आमंत्रित किया था कि उनके यहाँ एक कार्यक्रम पुलिस के लिए रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक हत्या हुई थी, जिसके आरोप 6 घंटे में वैशाली नगर पुलिस और पुलिस ने करके पकड़ लिया था, जिस पर इन लोगों ने हमें आमंत्रित किया था, जहाँ पर से जनता से सीधे संवाद स्थापित किया गया है। उनको सीसीटीवी के महत्व और अभिव्यक्ति ऐप के महत्व के बारे में बताया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ने के लिए उनसे आह्वान किया गया है, ताकि पुलिस उन तक बड़ी आसानी से अपनी मदद के लिए पहुँच सके। बहरहाल बैठक में क्षेत्र के व्यापारियों सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।